गाजियाबाद में चुनाव से सिर्फ 4 दिन पहले ही हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। विजयनगर पुलिस ने बने और अधबने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही माना जा रहा है कि चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। कैसे ये फैक्ट्री लग गई और किस तरीके से चुनाव के दृष्टिगत जो जनपद भर में चेकिंग चल रही है उसी के क्रम में थाना विजयनगर की पेट्रोलिंग यूनिट जब हिंडन नदी के किनारे पेट्रोलिंग कर रही थी तो वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं उनमें एक झुग्गी मिली जिसमें कि 2 लोग अंदर मौजूद थे और वो वहाँ पर अवैध असले बना रहे थे। उनके पास से अवैध असले बनाने के औजार बरामद हुए, साथ ही 15 कंट्री मेड वेपन्स वहाँ से बरामद हुए हैं और कुछ अधबने शस्त्र वहाँ से बरामद हुए हैं जो कि वहाँ पे वो 2 लोग मिलके एक फैक्ट्री बिछाए हुए थे। इनसे पूछताछ पे इन्होंने ये बताया है कि पिछले 6-7 दिनों से ये वहाँ पे काम कर रहे थे और अग्रिम इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किनको सप्लाई करना था और इन लोगों ने इसकी मांग की थी, क्या उपयोग होना था, इस संबंध में इनसे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर कितने असले ये बेच चुके थे? देखिए अभी इन्होंने जो बताया है लगभग 2-3 असलों के बेचने की बात कही है, पर ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि यहाँ पे बनाए हुए हैं या पहले बना के वो बेचे थे। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर आचार संहिता लगने के बाद गाजियाबाद शहर के अंदर ही लगातार अलग अलग थानों से 3 फैक्ट्री ऐसी पकड़ी गई है, तो कहाँ से ये लोग आते हैं और फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं? कोई खौफ नहीं? देखिए कुछ यहाँ लोकल लोग पकड़े गए हैं, जैसे आज विजयनगर में जो पकड़े गए हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, और कुछ बाहर से आके इससे पहले जो 2 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई बाहर से आए थे वो लोग और यहाँ पे एक अस्थाई फैक्ट्री नुमा अपना एस्टेब्लिशमेंट बना लिया था। पूछताछ पे जो अभी तक बात आई है कि वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट किया था उन लोगों ने और जो उनके लिंकेजेस हैं वो इस्टेब्लिश अभी किए जा रहे हैं। सर क्या चुनाव के लिए असली बनाए जा रहे हैं? देखिए पूछताछ में ऐसी कोई डायरेक्ट बात नहीं आई है, पर क्राइम के दृष्टिगत ये बिल्कुल ये बात है कि ये क्राइम में इस्तेमाल किए। सर अक्सर ये देखा जाता है चुनाव के पहले शराब बटना, शराब पकड़ी जाना आम बात होती है, लेकिन इस बार देख रहे हैं लगातार 3 फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो क्या ये चुनाव के लिए इस्तेमाल होने थी? जिस तरीके से शराब बांटते हैं तो क्या असला बांटने का भी चलन आया है क्या? देखिए जैसा मैंने बताया कि क्राइम के लिए असलाओं का इस्तेमाल अवश्य होता है और क्राइम कहीं भी हो तो उससे समस्या आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो उस हिसाब से ये चेकिंग की जाती है और क्राइम को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर।